एक लिस्ट ऑफ डेटा है मेरे पास जो आप देख पा रहे हैं, मुझे इस लिस्ट ऑफ डेटा में कुछ कैलकुलेशन करना है। हम मैनुअल और एरे दोनों की कैलकुलेशन आपको करके दिखाएंगे ताकि आप समझ सके कि कैलकुलेशन कैसे हो रही है। तो आपके सामने दिख रहा है डेटा, मुझे क्या करना है, सबसे पहले तो मल्टीप्लाई बाई 2 करना है, फिर इसमें प्लस 100 करना है, इसमें प्लस 100 करना है, देन सबको सबको जो है डिवाइड करना है मान लीजिए 5 से, सबको 5 से डिवाइड करना है। और उसके बाद जो है इसमें सब में यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2.5 करना है, एंड आफ्टर दैट सबका सम करना है। अब इस चीज़ को नॉर्मल एक्सेल से तो हम करेंगे तो कुछ इस तरह से कि मल्टीप्लाई बाय 2, सबको इंडिविजुअली मल्टीप्लाई बाय 2 करना है, हमने मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया, फिर सब में प्लस 100 करना है तो हमने इंडिविजुअली सब में प्लस 100 कर दिया। उसके बाद मुझे इसको डिवाइड करना है 5 से, तो सबको हम 5 से डिवाइड कर दिए। अब इसमें मुझे इसको मल्टीप्लाई करना है 2.5 से, और यहाँ पे हमने 2.5 से मल्टीप्लाई कर दिया, एंड देन हम सम फॉर्मूला लगाया और सम यहाँ से लिए। तो आप देख सकते हैं कि 701 को पाने के लिए हमें कितनी लंबी कैलकुलेशन करनी पड़ी, कितनी लंबी कैलकुलेशन करनी पड़ी, राइट सर? सर थोड़ा मेरे को ऑडियो का परमिशन देता है, तो डिस्कनेक्ट हुआ था। अब इसी चीज को मैं एरे के जरिए कैसे एक सेल में करता हूँ, यहाँ देखिए हम यहाँ पे सम लगाएंगे, सम लगाने के बाद हमने इसको सिलेक्ट किया एंड मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 100 डिवाइड बाय 5 एंड मल्टीप्लाई बाय 2.5। अब ये फॉर्मूला वर्क यहाँ नहीं करेगा क्योंकि हमने यहाँ बोर्ड मास मेथड को फॉलो नहीं किया है। तो सबको मुझे ब्रैकेट में लेना होगा, देन ये परफॉर्म अच्छे तरीके से करेगा। जी हाँ, सबको ब्रैकेट में, हर कैलकुलेशन एक ब्रैकेट के अंदर होगा। तो जितने कैलकुलेशन हमने किए, हमने उतने ब्रैकेट्स यहाँ पे लगा दिए हर एक मैथमेटिकल ऑपरेटर के बाद। एंड सम कीजिए, एक मिनट, कंट्रोल से एंटर भी कर, 806 हो रहा है, कहीं कुछ मिसिंग है यहाँ के। मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 100 डिवाइड बाई 5 मैं मल्टीप्लाई बाई 2.5 यहाँ देखता हूँ, मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 100 डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 2.5 100। ओके हाँ, मैंने यहाँ इस पार्ट को छोड़ दिया है, इस पार्ट को छोड़ दिया, इसलिए यहाँ पे रिजल्ट हमारा डिफर कर रहा था। अब आ गया, बिल्कुल। अब आप एरे का महत्व समझ सकते हैं कि नॉर्मल कैलकुलेशन के लिए हमें इतना सारा सेल, इतने सारे प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ा, बट एरे इसको सेम एक सेकंड में एक जगह पे करके दिखा दिया। अब आपको चेक करना है कि एरे कैसे वर्क किया है, तो जस्ट एवलेट फॉर्मूला पे आप जाइए, एवलेट फॉर्मूला में आप यहाँ एवलेट कीजिए, ये आपको बता देगा कि कैसे क्या हुआ है। जी हाँ, देखिए वन बाय वन एवलेट करते जाइए और आपका प्रोसीजर बता देगा।